स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के निरसा में दिल्ली ने आंदोलनरत किसानों के समर्थन में संयुक्त मोर्चा ने सभा की। कृषि बिल कानून को किसान विरोधी बताया, कहा कि कानून में संशोधन किसान हित में नहीं है। अनाज की बिक्री में खुली छूट के बावजूद किसानों को नुकसान हो रहा है। उच्चतम बिक्री मूल्य MSP पर नियंत्रण खत्म कर देने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमें एकजुट होकर दिल्ली में किसानों की लड़ाई में कूदना होगा। कृषि बिल में संशोधित 3 काले कानून को वापस लेना होगा। सभा को पूर्व विधायक मासस के अरूप चटर्जी, आगम राम, भाकपा माले के उपेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य दुर्गा दास आदि ने संबोधित किया। धनबाद जिला ब्यूरो, मलय गोप की रिपोर्ट। तमाम वाम जनवादी, कांग्रेस, PSP सारे पार्टी यहाँ पर हैं। यहाँ पर कन्वेंशन हो रही, जो किसानों की जो लड़ाई दिल्ली में चल रही है, पूरे देश भर में जहाँ किसान जुटे हुए हैं, और सरकार जो जबरन कुछ कानून किसानों के ऊपर थोपने के काम कर रही है, उसके विरोध में ये कन्वेंशन की जा रही है, ताकि सरकार इन कानूनों को वापस ले। जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर वही नहीं चाहते हैं तो हम समझते हैं कि इस कानून को इमीडिएट के वापस लेना चाहिए, और हठधर्मिता सरकार छोड़े, केंद्र सरकार छोड़े, किसानों के साथ वार्ता करके, इतनी ठंड में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर धरना में इतने लंबे समय से, उन लोगों से वार्ता करते इमीडिएटली ऐसे कानून लाने का काम करें जो उस किसान को और अग्रेतर वो बढ़ सके, ना कि किसानों को दबा कर कॉरपोरेट हाउस को मदद हो सके। सही है, कुछ किसान कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, नए नए ढेर सारे अभी किसान संगठन बनाए जा रहा है, और उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो वो लोग मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं। देश भर में सारे किसान जो लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं वो लोग इस कानून के खिलाफ आए। मोदी जी की हुकूमत, भाजपा की हुकूमत, उनके सहयोगियों के साथ जो सरकार चल रही है, इस हुकूमत को शायद जनता के हित में, देश के हित में सरकार से हटना होगा। एक आवाज़ है, इसीलिए कि मजदूर की हिफाजत नहीं हो रही है, उनके अधिकारों की हिफाजत नहीं हो रही है। किसान आप देख रहे हैं कि 32 दिन से ज़्यादा दिन हो गए उस ठंड में कुकुर करके, वहाँ पर बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से जो कानून जो उनके खिलाफ बना है, किसानों के अधिकार को छीनता है, किसानों के। सबसे बड़ी बात है, ये आम जनता के लिए भी है। जिस तरह के तीनों काला कानून लाया गया है, उसमें तो आम जनता भी प्रभावित होगी। जो भंडारण वाला एक्ट है, तो सीधे सा बात है, आम जनता, यहाँ तक कि BJP के कार्यकर्ता जो है वो भी स्वयं पीड़ित होंगे, जिनको आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, चावल खरीदना है, तेल खरीदना है, जो रोज़मर्रा का चीज़ है उसके लिए होगा। मोदी सरकार तो भारत की जनता को प्रयोगशाला का एक विषय बना लिए हैं कि हर दिन नया नया प्रयोग करते हैं। उनके द्वारा लाया गया कोई भी कानून उनके लिए अच्छा है। नोटबंदी लाए उनके लिए अच्छा है, 50 दिन में बोल रहे थे कि हमको फांसी लगा दो, नोटबंदी उनके लिए अच्छा है, जनता को समझ में नहीं आया। GST व्यापारियों को समझ में नहीं आया, वो भी अच्छा है। उसके बाद CA NRC लाए, वो भी जनता को समझ में नहीं आया, उसके लिए भी आंदोलन करना, उन्हीं को समझ में आता है। तीसरा, अब तो आप सीधे रीढ़ पर प्रभाव कर रहे हैं, जो भारत एक कृषि प्रधान देश के बारे में प्रचलित है, उसके लिए अब आप सीधा प्रहार कर रहे हैं जो कि सीधे पेट से ताल्लुक रखता है। क्यों व्यापारियों को इतना संतुष्ट कराने में लगे हुए हैं? सर, यहाँ एक और बात है कि किसान इस विषय में आप हमको बताइए। किसान कहीं भी, किसी क्षेत्र का किसान, उनके समर्थन इस तीनों कानून के समर्थन में कहीं का किसान नहीं, तीनों काला कानून के पक्ष में कोई भी किसी जगह का कोई किसान नहीं है। इस आंदोलन में तो आम जनता को उतरना चाहिए, किसान के साथ साथ आम जनता प्रभावित होगी। अब आलू का भंडारण जो रोक दिया गया कि नहीं भंडारण, आलू तो एक गरीब आदमी का चीज़ है, यहीं जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर बॉर्डर पर आलू टोटल रोक दिया जाएगा तो हम और आप खाएंगे क्या? वही जैसे अभी खा रहे हैं 50 रुपया 100 रुपया किलो, उसी तरह प्याज का होगा, उसी तरह तेल का होगा, उसी तरह चावल का होगा। आवश्यक भंडारण एक्ट को हटाने की आवश्यकता ही क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, हम कांग्रेस के डेलीगेशन में हैं।